सो वेलकम बैक गाइस टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नए नए फ़ोन लॉन्च हुआ जो कि है आपका रियलमी नार्जो 30 प्रो, उसका 60 FPS का बूट कैम टेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये फ़ोन आप लोगों को 60 FPS प्रोवाइड कर पाता है या नहीं कर पाता, क्या ये 17,000 के अंदर आपके लिए गेमिंग फ़ोन बन सकता है या नहीं बन सकता, ये सभी के सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, FPS भी दिखाएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो इसका FPS टेस्ट दिखा दूं मैं तुम लोगों को 60 FPS वाला, या फिर बूट कैंप पे उतर के दिखा दूं, उससे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर ली जाए। यहाँ पे तुम्हें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है ना, वो देखने को मिल जाता है Dimensity 800U वाला प्रोसेसर, जो कि तुम्हें Realme X7 में भी देखने को मिला था। वेल, तुम्हें मैंने कल वाली वीडियो में बता रखा था कि अगर तुम लोग इसका 40 FPS तक पुश करते हो, क्योंकि इसमें स्मूथ और अल्ट्रा ही मिलता है, तब तुम लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। बट अगर तुम लोग यहाँ पे इसे GFX वगैरह लगा के या कुछ भी करके 60 FPS तक पुश करोगे, तो चलो देखते हैं कि क्या तुम्हें ये 60 FPS प्रोवाइड कर पाएगा, क्या ये तुम्हारे लिए बढ़िया गेमिंग फ़ोन बन सकता है 17,000 में 5G फ़ोन। तो चलो देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्लेन उड़ चुका है और यहाँ पे तुम्हें 60 FPS देखने को मिल रहा है। अब कूदते हैं, चलो देखते हैं कितना FPS हमें प्रोवाइड ये फ़ोन कर देता है। तो अब कूदने ही वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो। अब देख लो यार, कूदने के बाद तुम्हारा ये कितना ज़्यादा कम हो चुका था, 27 FPS तक चला गया था, फिर उसके बाद ये 44, 46, 44 आ रहा है। मतलब यार ये 60 के आसपास भी नहीं है, ये 50 के आसपास भी नहीं है। अभी एक बार 50 गया है, फिर उसके बाद नीचे आ गया। मतलब ये तुम्हें 60 FPS बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा। चलो और देखते रहो, लैंडिंग के वक्त तुम्हें कितना FPS देखने को मिलता है, क्या तुम्हें ये 60 FPS एक बार भी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। वेल, यहाँ पे अभी देखा जाए तो एक बार भी ये 60 के करीब नहीं पहुँच पाया है। वेल, लैंड हो चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो यार, और 50, 53 चला गया था, लेकिन फिर भी 55 भी नहीं जा पा रहा। तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये फ़ोन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 40 FPS ही प्रोवाइड करवा पाएगा, जो कि तुम्हारी नॉर्मल गेम्स खेलने के लिए काफ़ी रहेगा। सिंपली अगर तुम लोग टाइम को किल करना चाहते हो गेम्स खेल कर, तब तुम लोग इस फ़ोन को ले सकते हो। बाकी डेली यूज़ के लिए तुम लोग इस फ़ोन को ले सकते हो, तुम लोग गेमिंग के लिए इसे कंसीडर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जैसा कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है यार, 60 FPS बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है, 50 भी नहीं जा पा रहा है, और ये 40 के अराउंड ही आसपास भटक रहा है। तो कुल मिला के ये हो गया भाई, जो Dimensity 800U का प्रोसेसर है वो तुम्हें 40 FPS से ज़्यादा अच्छे FPS नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी इस फ़ोन में नहीं है, इस प्रोसेसर में नहीं है। तो कुल मिला के इसे अगर तुम लोग कस्टम वगैरह के लिए यूज़ करते हो तो मत ही करना यार, सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे। इससे अच्छा तो तुम्हारा Poco X3 है भाई, वो ज़्यादा अच्छे FPS प्रोवाइड कर देगा इस फ़ोन से। भले इसके अंदर तुम्हें 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, या फिर हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे प्रोसेसर में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से तुम्हें 60 FPS ये नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। वेल, वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर इसी तरह का गेम प्ले रिव्यूज़ चाहते हो, और हर फ़ोन का तुम लोग FPS मीटर देखना चाहते हो या फिर बूट कैम टेस्ट देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों को रोज़ का रोज मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है ना, उसे ऑल पर सेट कर लिया करो यार, ताकि हम मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोगों को पहले पहुंच जाए, उसके बाद आराम से तुम लोग वीडियो देख पाओ। अगर ऑल पर नहीं सेट कर पाओगे तब हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें नहीं जा पाएगा। वेल, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का किसी ना किसी फ़ोन का FPS टेस्ट लेके, PUBG टेस्ट लेके, या फिर कह सकते हो बूट कैंप टेस्ट लेके, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए यार कि बजट में तुम्हारे पास कौन सा एक ऐसा बीस्ट फ़ोन होना चाहिए जो तुम्हारे पैसे भी ज़्यादा ना खाए और तुम्हें अच्छे FPS भी प्रोवाइड कर दे। तब तक के लिए ऐसे ही रिव्यूज़ देखने के लिए देखते रहो टेक ट्यूबर्स। अंटिल देन, टेक ट्यूबर्स लॉग आउट।